पिछले 8 साल से इस कुंफू मास्टर ने अपने पैरों में 25-25 किलो के जूते पैर रखे हैं। इन्हें पहनकर ही वो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है। तो सोचो जब वो इन्हें उतारेगा तो क्या होगा। कुछ ऐसी ही है हमारी आज की कहानी। कहानी के शुरुआत में हम एक कुंफू मास्टर को देखते हैं जिसका नाम है वुडन। वो चीन की एक काफी पुरानी जाति से था जिनके पास लोहे जैसी ताकतवर शक्ति थी। अब वो पहली बार बड़े शहर में आया था। अचानक कुछ गुंडे भागते हुए वहां से गुजरे और एक आइसक्रीम खाते बच्चे से टकरा गए। उसकी मदद के लिए वुलेन भी उन गुंडों के पीछे भागा। असल में वो गुंडे एक आदमी को मारने के इरादे से आए थे, लेकिन बच्चे के आइसक्रीम के पैसे वापस लेने के लिए वुलेन ने उन्हें रोक लिया। जैसे ही गुंडों ने उस पर हमला किया तो वुलेन भी पीछे नहीं हटा। उसने अकेले ही उनका सामना किया और एक माहिर कुंफू योद्धा होने के नाते एक एक को धूल चटा दी। आखिरकार वो जीत गया और उसकी वजह से जायशा नाम के एक अमीर आदमी की जान भी बच गई। उस आदमी ने वुलेन को कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन वुलेन ने इनकार कर दिया। फिर वो वापस उस बच्चे के पास गया और उसे एक आइसक्रीम दिलाई। अचानक उसे चारों ओर से कई गाड़ियों ने घेर लिया। फिर उनका सरदार जियांग ली बाहर निकला और उसने वुलेन को गले लगा लिया। वो भी एक कुंफू योद्धा था जो बॉडीगार्ड्स की कंपनी चलाता है। वुलेन और जियांग ली बचपन में एक ही गुरु से कुंफू सीखा करते थे। दोनों एक साथ ही बड़े हुए और फिर जियांग ली शहर में आकर रहने लगा। अब तो वो अमीरी के चकाचौन में अपनी गुरु की सिखाई बातें भूल चुका था। फिर पता चलता है कि जियांग ली ने खुद से गाँव नहीं छोड़ा था, बल्कि एक दिन उसे ट्रेनिंग में गलती हो गई थी जिसके वजह से गुरु ने उसे निकाल दिया था। अब वुलेन ने उसे गुरु की अस्थियां दिखाकर कहा कि गुरु की मौत हो गई है। ये सुनकर जियांग ली फूट फूट कर रोने लगा। अगले दिन वो दोनों जियांग ली की कंपनी में गए। फिर जांच के वक्त वुलेन को अपने जूते उतारने को कहा गया क्योंकि वो लोहे के बने थे, लेकिन जियांग ली ये जूतों की कहानी जानता था, इसीलिए उसने वुलेन को अंदर आने दिया। वहां जायशा जियांग ली के पास अपनी बेटी के लिए बॉडीगार्ड लेने आया था। जियांग ली ने उसे अपने आदमियों के ताकत का नमूना दिखाया, लेकिन जायशा को तो वुलेन में दिलचस्पी थी। आखिरकार वुलेन मान गया क्योंकि उसके गुरु ने सिखाया था कि कमजोर की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दो। अगले दिन वुलेन की मुलाकात जायशांग की बेटी फेफे से हुई। फेफे को लगा वो एक चोर है, इसीलिए उसने डर के मारे अपना तौलिया ही गिरा दिया। जब उसे पता चला कि वुलेन उसका बॉडीगार्ड है तो फेफे ने उसे पैसे देकर उससे छुटकारा पाने की सोची, लेकिन वुलेन अपने उसूलों का एकदम पक्का था। फेफे ने उसे नकली बंदूक से भी डराया, लेकिन वुलेन पर कहां असर होने वाला था। फिर वो दोनों मॉल गए जहां वुलेन हर जगह फेफे के पीछे चलता रहा। फिर फेफे ने देखा कि कुछ बदमाश एक लड़की को परेशान कर रहे थे। फेफे ने सीधा जाकर उनके लीडर को थप्पड़ मार दिया। फिर उस चालाक लड़की ने झूठ बोल दिया, भैया मैं थोड़ी ना बिना बात आपके थप्पड़ मारूंगी, वो दिख रहा है मुशंडा, उसने भेजा था मुझे। अब वो बदमाश लड़के मिलकर वुलेन को पीटने ही वाले थे कि वुलेन ने कह दिया कि मैं तो इस लड़की को जानता भी नहीं, कौन है ये। वो गुंडे एक बार फिर से फेफे के पीछे पड़ गए। वुलेन भी मुस्कुरा कर उनके चूहे बिल्ली की दौड़ देखते रहा। थोड़ी देर मजे लेने के बाद उसने फेफे की मदद की और उन गुंडों को भगा दिया। रात को उसने सपने में देखा कि उसके पिता ने उसे एक पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। असल में ये उसके साथ असलियत में हुआ था जब वो सिर्फ 7 साल का था। उसके खुद के पिता ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया ये वुलेन को नहीं पता, लेकिन उसके पिता ने कहा था कि सफलता के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। फिर हम मिस्टर फू नाम के एक गैंगस्टर को देखते हैं जो जायशांग का बॉस हुआ करता था, लेकिन अब वो जायशांग को मारना चाहता है क्योंकि उसके पास फू के सारे काली करतूतों के सबूत थे। तभी एक ज्योतिषी ने बताया कि फू की मौत जल्द ही होने वाली है। ये सुनते ही फू ने उसे गुस्से में गोली मार दी। अगर ये पहले अपना भविष्य देख लिया होता तो ऐसी बकवास ना करता ये गैंगस्टर के आगे। अगले दिन वुलेन और फेफे एक रेस्टोरेंट में गए। फेफे खाना खा रही थी और वुलेन उसके पास खड़ा सब पर नजर रख रहा था। अचानक उसने एक वेट्रेस को पकड़ लिया क्योंकि वुलेन के मुताबिक वो फेफे को मारने वाली थी। फेफे गुस्सा होकर बाथरूम चली गई, लेकिन वुलेन उसे जबरदस्ती बाहर ले आया। घर लौटते हुए उन दोनों में फिर से झगड़ा हो गया। तभी कुछ आदमियों को लगा कि वुलेन उस लड़की को बिना बात के परेशान कर रहा है, तो वो फेफे को बचाने पहुंचे। मौके का फायदा उठाकर फेफे भाग निकली, लेकिन उसे उसी वेट्रेस ने किडनैप कर लिया। वुलेन का शक एकदम सही था। उसने तुरंत गाड़ी का पीछा किया और एक ब्रिज से कूदकर गाड़ी के ऊपर पहुंच गया, लेकिन वो वहां बैलेंस नहीं बना पाया और नीचे गिर पड़ा। दूसरी बार तो वो सामने से ही गाड़ी पर कूद गया। उसने उन नकाबपोश गुंडों का बहादुरी से सामना किया और फेफे को बचाकर सही सलामत घर ले आया। घर पहुंचकर फेफे ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो वेट्रेस मुझे किडनैप करने आई थी। वुलेन ने बताया कि एक इंसान मुंह से तो झूठ बोल सकता है, लेकिन उसकी चाइल्ड हार्ट देखकर ही ये बताया जा सकता है कि उसकी असली इरादे क्या है। फिर फेफे ने बताया कि बचपन से ही उसके बहुत से बॉडीगार्ड्स रहे हैं, उसे कभी अपने मन की चीजें करने की आजादी नहीं मिली, तभी से उसे बॉडीगार्ड से नफरत हो गई, लेकिन वुलेन उसे बाकियों से अलग लगता है। फिर रात को सोने से पहले फेफे ने अपने परिवार की तस्वीर देखी और अपनी माँ को याद करके रोने लगी। उधर गैंगस्टर फू ने अपने एक आदमी को जियांग ली के पास भेजा। फू जियांग ली के मदद से जायशांग का काम तमाम करना चाहता था। हालांकि जियांग ली को ये कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन
फिर भी वो मान गया। असल में जब जियांग ली ने पहली बार इस शहर में कदम रखा था तो मिस्टर फू ने ही उसे खाना खिलाया और उसका बिजनेस खोलने में उसकी मदद भी की, तो वो अपने आप को फू के एहसानों तरह दबा महसूस करता था। इसके बाद अगले दिन जियांग ली वुलिंग से मिला और अपनी पहुंच के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने लगा। उसने कहा कि उसके शहर के नामचीन लोगों से जान पहचान है और वो जो चाहे वो करवा सकता है। फिर उसने वुलिन से कहा कि उसे जायशांग की बेटी फेफे का रक्षा बंद करना होगा, लेकिन वुलिन ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। जिंदगी में पहली बार ये दोनों भाई एक दूसरे के आमने सामने थे। जियांग ली ने कहा कि वो अब भी वुलिन से गुस्सा है क्योंकि गुरु ने जियांग ली को नहीं बल्कि वुलिन को वो खास जूते दिए। गुरु को हमेशा लगता था कि वुलिन ही सच्चा कुंफू योद्धा है, लेकिन अब जियांग ली बराबरी का मुकाबला करना चाहता था। आखिर फैसला हो ही जाए कि इन दोनों में से कौन बेहतर है। तभी उन दोनों में जबरदस्त मुक्केबाजी शुरू हो गई, लेकिन कोई किसी पर भारी नहीं पड़ा क्योंकि वो दोनों ही बराबर के खिलाड़ी थे। लेकिन जियांग ली हमेशा से एक खास टेक्निक में माहिर था। उसके एक ही मुक्के से वुलिन दीवार से जा टकराया और नीचे गिर पड़ा। आखिरकार जियांग ली ने कहा कि अब वो दोनों भाई नहीं है और वहाँ से चला गया। वुलिन जानता था कि फेफे की जान को खतरा है, इसीलिए वो उसे एक खुफिया घर में ले आया। उन दोनों ने कई दिन एक साथ कुंफू की प्रैक्टिस की। फिर वुलिन ने बताया कि उसका एक जूता 25 किलो का है, उसने पिछले 8 साल से ये जूते पहने हैं ताकि वो महाशक्तिशाली बन सके। जिस दिन उसने वो जूते उतार दिए उस दिन कोई उसकी शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाएगा। फिर एक दिन जियांग ली के आदमियों को वुलिन और फेफे के ठिकाने का पता चल गया, लेकिन जियांग ली जानता था कि उसके आदमी वुलिन के सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे, इसीलिए उसने अपने गुंडों को काफी भारी हथकड़ियां दी जिससे वो वुलिन पर काबू पा सके। फिर उन्होंने रात को चुपके से वुलिन पर हमला बोल दिया। वुलिन और फेफे भागकर जंगल में चले गए और वुलिन वहां भी गुंडों का सामना करता रहा। इसी मौके का फायदा उठाकर दो गुंडे फेफे को उठाकर ले गए। वुलिन ने भी उनका पीछा किया, लेकिन उसने गलती से हथकड़ियों पर पैर रख दिया। अब उसकी जूतों के साथ साथ उसके पैर में जंजीरें भी थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और उन गुंडों को उनकी नानी याद दिला दी, लेकिन आखिर में उन्होंने वुलिन के दोनों पैर बांध कर उसे दीवार में दे मारा। इसके बाद एक आदमी उसे खींच कर एक खेत में ले गया। जियांग ली के सामने उसका भाई आखिरी सांसें ले रहा था, लेकिन उसने अपने दुख को गुस्से से दबा दिया। उसने आगे बढ़कर वुलिन के छाती में जोरदार मुक्का मारा। फिर उसके आदमियों ने उसे दफन कर दिया और वापस लौट आए। लगातार बारिश की वजह से चारों ओर कीचड़ हो गया था। अचानक वुलिन रेंगता हुआ बाहर निकला। असल में उसका दिल दाही तरफ था, इसीलिए जियांग ली के मुक्के से वो मरा नहीं। अब वुलिन वापस घर पहुंचा और 8 साल में पहली बार उसने लोहे के वो जूते उतारे। अब वो एक बेहतरीन योद्धा बन चुका था। फिर उसने अपना हुलिया बदला और सूट पहनकर जियांग ली के ऑफिस में पहुंच गया। उसके सैकड़ों आदमी वुलिन पर हमला करने को तैयार, लेकिन उसके शरीर से 50 किलो वजन कम होने से वुलिन की फुर्ती इतनी बढ़ गई थी कि वो किसी के हाथ नहीं आ रहा था। उसने सिर्फ अपने पैरों के इस्तेमाल से कई गुंडों को धूल चटा दी। अंत में जीत उसी की हुई। अब वो एक कमरे में पहुंचा जहां मिस्टर फू, जियांग ली, फेफे और जायशांग मौजूद थे। फू ने उससे पूछा, अरे छोटे, मौत से डर नहीं लगता क्या तुझे? इस पर वुलिन ने जवाब दिया, सफलता के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है। ये सुनते ही फू के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने अपने बेटे को मारने से पहले यही कहा था। कई साल पहले फू और जायशांग एक साथ काम करते थे, लेकिन एक बार फू ने धोखे से जायशांग को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके वजह से उसकी पत्नी की भी मौत हो गई थी। तब से लेकर आज तक जायशांग फू से बदला लेने की फिराक में था। फू अपने बेटे वुलिन से बेहद प्यार करता था, लेकिन एक दिन उसने देखा कि वुलिन ने एक जंगली जानवर को सिर्फ उसकी आंखों से घूरकर भगा दिया। फिर फू को एक ज्योतिष ने बताया कि उसका बेटा ही उसकी मौत का कारण बनेगा और इसी वजह से उसने अपने ही बेटे को मारने की कोशिश की थी। हालांकि वो तो सिर्फ अभी एक बच्चा था, लेकिन आज वुलिन को अपने सामने जिंदा देखकर फू हंसने लगा, क्योंकि ज्योतिष की बात तो सच निकली। फिर उसने वुलिन पर गोली चला दी, लेकिन जियांग ली बीच में आ गया। वो फू के हाथों की कठपुतली बनकर थक चुका था। फिर उसने कहा कि वो अकेला वुलिन का सामना करके उसकी नई शक्ति को परखना चाहता है। उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन इस बार जियांग ली अपने अनोखे दस्ताने पहनकर आया था। धीरे धीरे वुलिन की भी शक्ति दिखने लगी। जैसे ही जियांग ली हारने वाला था, उन्होंने उसे गोली मार दी। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए जियांग ली ने वुलिन से कहा कि उसे जिंदा रहकर उनके गुरु की जगह लेनी होगी, ताकि आयरन लेग कुंफू कला यूं ही विलुप्त ना हो जाए। अब बस वुलिन और फू ही बचे थे। अपनी मौत को सामने देखकर फू ने वुलिन से समझौता करने की कोशिश भी की, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं था। वुलिन उसका काम तमाम करने ही वाला था कि अचानक वो रुक गया। उसके गुरु ने उसे सिखाया था कि निहत्ते पर कभी वार मत करना। वो फू जितना नीचे नहीं गिर सकता था, इसीलिए वो उसे जिंदा छोड़कर लौट आया। आखिरकार उसने पहाड़ी से जियांग ली की अस्थियों को हवा में उड़ा दिया और एक आखिरी बार अपने भाई अपने दोस्त को अलविदा कहा।